नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइडर पटेल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये है मठरी बनाने की। दोस्तों तो जैसे कि मेथी मठरी वगैरह बनाते, तो उस प्रकार हम आज जीरा अजवाइन की मठरी बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम मठरी बनाने के लिए मैदा लेते हैं। पहले सबसे पहले 1 किलो मैदा, तो यह मैदा है जिसको मैं यहाँ पर नीचे काटा रखा है, वजन कर लेता हूँ। एक किलो मैदा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर हम 400 ग्राम डालडा यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए रुचि गोल्ड का नंबर 1 वनस्पति डालडा लिया है, जो हम 400 ग्राम लेंगे। इसको हम गर्म करके लेंगे। तो गाइस यहाँ पर डालडा घी हमने गर्म कर दिया है। अब हम मैदे के अंदर इसको डालेंगे। ज़्यादा गर्म है, इसको हल्का सा थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम यहाँ जो बना रहे हैं वो है जीरा फ्लेवर वाली मठरी। तो हम यहाँ पर इसके अंदर 100 ग्राम जीरा डालेंगे। और थोड़ा टेस्ट आने के लिए इसके अंदर हम 50 ग्राम जितना अजवाइन ऐड कर रहे हैं और 30 ग्राम नमक। पहले इन सबको अच्छे से पहले आटे के साथ मिक्स कर देते हैं मैदे में। अब इसके अंदर हम डालडा ऐड कर देते हैं। आप डालडा की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। हम इसको इस लकड़ी के चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि डालडा गर्म है तो हाथ से करेंगे तो हाथ जलेंगे। डालडा इसीलिए डालते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो खस्तापन आता है ना, वो डालडा की वजह से ही आता है। इसीलिए डालडा ही डालना है। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो इतना खस्तापन इसमें नहीं आएगा और परफेक्ट मठरी आपकी नहीं बनेगी। इसमें डालडा हमने 400 ग्राम ऐड किया है, तो पानी की मात्रा कम लगेगी। तो वो भी जितनी लगेगी मैं आपको परफेक्ट तरीके से बता दूंगा। आप मठरी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जीरा अजवाइन डाला है, इसकी जगह आप मेथी भी डाल सकते हैं, सूखे धनिया डालकर भी बना सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर की आप मठरी यहाँ पर बना सकते हैं। अभी जो डालडा हमने डाला है, इसको पहले हम आटे के साथ ना अच्छी तरह से पूरा मिक्स करेंगे। इसको कहते हैं मोयान करना। तो पूरा मोयान अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारी जो मठरी है बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनेगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले 100 ग्राम पानी लिया है, 100 ml, और आटा को गूंदना नहीं है, इस तरह से मिक्स करना है। इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करें। इसको बिल्कुल भी इस तरह से गूंदना नहीं है, वो बाद में गूंदना है, मैं बताऊंगा। थोड़ा पानी और लेते हैं, 50 ग्राम। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप न करें। स्किप करेंगे तो आपको जानकारी अधूरी मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से मचलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आटा लगाने के लिए हमने कुल 350 ml पानी यूज में लिया है। तो इसमें हम थोड़ा पानी और ले रहे हैं, लिया है। तो कुल मिलाकर 350 ml पानी हमने आटा लगाने के लिया है। और बहुत ही अच्छी तरह से आटा लगाकर सेट कर दिया है हमने। तो दोस्तों आटा हमारा गूंद कर रेडी हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट तक ढक कर रखेंगे ताकि इसका जो डालडा मोयन डाला है अच्छी तरह से पूरे आटे के अंदर सेट हो जाए। दोस्तों 10 मिनट बाद हम प्लेट हटाते हैं। आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया अच्छी तरह से सेट हो गया है।
अब हम इसकी मटरी तैयार करते हैं और बाद में इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मटरी दोस्तों आप अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं, मैं आपको दो से तीन अलग अलग डिजाइन बताता हूँ। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेते हैं, पहले ले लिया, इसको अच्छी तरह से हाथों के बीच में मचल कर इसकी लोई तैयार करते हैं। और सबसे पहले मैं जो आपको बता देता हूं दोस्तों, वो इस तरह से आपको इस तरह की छोटी छोटी लोइयां लेनी है, जिनको बॉल आकार में बनाकर दोनों हाथों के बीच में चपटा कर ले इस तरह से। एक तो हमारी ये वाली मटरी होती है जो हम इसके 10 से 15 पीस बना लेते हैं। तो गाइस दूसरा जो हम पहला तरीका जो हमने बताया वो यहाँ पर हमने ये मटरी बनाकर रखी है। दूसरा तरीका है जो मैं यहाँ पर बड़ा सा चकला ले रहा हूँ चौकोने वाला, इसके ऊपर हम लोई लेंगे लोई तैयार हो गई। अब हम पहले चकले पे थोड़ा मैदा लगा लेते हैं। मैदा लगाने की वजह यह दोस्तों कि जब इसके ऊपर हम मटरी के लोई को बेलेंगे ना तो नीचे से ये चिपकेगी नहीं। आप अलग अलग तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसकी पहले तीन कोने वाली यानी कि सैंडविच वाली कटिंग करूंगा। तो पहले हम इसको सीधा काट लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जैसा कटिंग कर रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही कटिंग करो, आप अपनी हिसाब से कटिंग डिजाइन आप अलग अलग डिजाइन की भी इस मटरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जीरा मटरी बनाई है, तो आप यहाँ पर अलग टाइप का दूसरा फ्लेवर डालकर भी मटरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर जो कटिंग हुई है वो इस तरह की हुई है। ये देखिए तीन कोने वाली कटिंग हुई है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर तेल गर्म है और अब हमने यहाँ पर जारा अंदर रख दिया है पहले, और अब हम इसके अंदर मटरी डालेंगे। तो आप यहाँ पर मैं पहले ये वाले त्रिकोण वाली मटरी फ्राई कर रहा हूँ, आप एक एक पीस भी डाल सकते हैं और सबको एक साथ में भी डाल सकते हैं। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इसी तरह कंटिन्यू चलाते हम इसको पकाएंगे। दोस्तों मटरी को फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसकी परत जो हल्की सी मोटी होती है, तो इसको दोनों साइड से पकाने के लिए हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है इस तरह से। और जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो इसका जो कलर है हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा, ज्यादा भी डार्क कलर नहीं करनी है हमें, जलानी नहीं है इनको। मध्यम आंच पर इसको कंटिन्यू पकाते रहें। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों हमारी मटरी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए तेल से बाहर ले लेता हूं। तो
तो दोस्तों यहाँ पर मटरी रेडी बनकर फ्राई हो गई हमारी। तो हम इसी तरह से जितने भी मैंने अलग अलग डिजाइन की जो मटरी बनाई है सबको फ्राई करके बाद में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मटरी है बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग डिजाइन में बनाई है। ये एक डिजाइन है, ये देखिए, तभी मैं इनको सबको आपको देख के बता देता हूँ कि कितनी खस्ती बनी है। देखिए ये देखिए, ये देखिए एकदम खस्ती, ये वाली देखिए, ये देखिए, ये वाली देखिए, ये देखिए और ये वाली देखिए, ये अभी गर्म है, दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको बनानी है मटरी, जीरा वाली मटरी है दोस्तों। और भी मैं अलग अलग आपको इस तरह से नई नई वीडियोस लाता रहूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत लोगों तक फैलाएं।